everyone. Today I am going to start with chemistry 2, very small chapter, polymer. This chapter carry 4 marks. So this chapter, why I am starting with this chapter, this is one of the easiest chapter, and also in NEET, in JEE and NEET, this chapter is very important. Apart from this, polymers, where we use polymer, ठीक है, in real life where we use polymer, ये polymer होता क्या है, ठीक है? In Greek, poly means many and meros means part. So in Greek letter, poly means many and meros means part. Why we are studying this chapter, ठीक है? इस polymer का पढ़ने का हमें क्या use है? In day-to-day life, whatever we are using since morning to night is made up of polymer. Example, we use PVC, we use PVC pipes, we use raincoats, we use brushes, bucket, mouse, you know, everything, chair, paint. These are example of polymer, brush, carpet, ठीक है? तो ये polymer जो है, ये सारी चीजें हैं polymer से बनी हुई हैं. Apart from this, biopolymer भी है. Biopolymer basic, उसका best example है हमारी खुद की body. Body के अंदर का DNA, हमारा hair, nails, ठीक है? Carbohydrates. These are biopolymer, large chain of molecules which is combined in different way. So polymer padhne ka tarika ye hai ki 21st century is full of plastic, right? Aur nayi nayi technology aa rahi hai, sabse best. Ab jo polymer hum log use karte hain, for example medicine. In medicine we use capsules. The coating of capsule is made up of PHBV polymer, that is degradable polymer. आपके body में जाती है और automatically microorganism के through वो melt हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. उसका कोई side effect नहीं होता है environment को. तो आजकल ऐसे polymers को develop किया जा रहा है जिस जो हमारे earth को, हमारे atmosphere को, environment को कम से कम नुकसान पहुँचाए, ठीक है? तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन, और जो मैं इसमें मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है वो ही प्रेजेंटेशन में आपको आपके नोट्स है. अगर आप चाहें तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे तो काफ़ी है. जैसे डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्योंकि वो सारे रिएक्शंस को, थ्योरी को बार बार बोर्ड पर लिखना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता. इसके लिए आप सिर्फ देखेंगे और उसके साथ उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड मोर, ठीक है? सो दिस चैप्टर कैरी 4 मार्क्स. मेरी ये रिक्वेस्ट है, डोंट लीव दिस चैप्टर इन ऑप्शन, ठीक है? जिनका ऑर्गेनिक वीक है ये वही आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है? सिर्फ एक या दो रिविजन, एक दो रीडिंग कर लोगे तो भी ये चैप्टर हो जाएगा. बस आपको रिएक्शंस हैं, जो तीन चार रिएक्शंस हैं, यू नीड टू जस्ट लर्न द मोनोमर. नाउ इट इज़ मोनोमर. अगर हम देखें इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन इज पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट्स एंड कंपोज ऑफ स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स. बेसिकली इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 10^3 to 10^7 म्यू इनका वेट होता है, और इतने जायंट कंपाउंड होते हैं ये. तो ये बनते किससे हैं? छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से बनते हैं. जैसे अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिसे कहते हैं मोनोमर. ये मोनोमर जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में कंबाइन होते हैं, या तो लीनियरली कंबाइन हो, या क्रॉस लिंकिंग में कंबाइन हो, या ब्रांच वे में कंबाइन हो, डिपेंड्स, वो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, तो आपका पॉलीमर बनता है, ठीक है? तो आप मोनोमर क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट,
ऑफ पॉलीमर इज नोन एज मोनोमर. ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर्स इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. सो वॉट इज डेफिनेशन? सो डेफिनेशन इज पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट्स एंड कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स. तो हमारे रियल लाइफ में ये कहाँ यूज़ होता है? लेट्स सी, ये हम रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं. देखिए, कैन यू सी दिस पिक्चर? अगर आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये सारे प्लास्टिक बॉटल्स, कंटेनर्स, बाउल्स एंड टपरवेयर के डब्बे. ठीक है, ये सारे जो डेली यूज में प्लास्टिक के टॉयज, बकेट्स, मग, डस्टबिन, सिलिकॉन के जो कप के केक बनाने के जो बर्तन होते हैं, इवन दैट, यस ऑब्वियसली इसको कैसे भूल सकते हैं, अपना बिस्लरी, दवाइयों के बॉटल्स, स्प्रे के बॉटल्स, देन एरोसॉल के बॉटल्स, दवाइयों के ट्यूब्स जो होते हैं जिसमें उनसे रखा जाता है, एंड उनके बॉटल्स प्लास्टिक के बॉटल्स में रखा जाता है, कैप्सूल्स की कोटिंग जो होती है, जो दवाइयों की कोटिंग होती है, अभी जस्ट मैंने कहा वो भी पॉलीमर की होती है, बिस्लरी बॉटल्स, पानी की बॉटल्स. तो रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? तुम लोग बोलोगे प्लास्टिक से बनी है, बट प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है. तो हम कहेंगे कि पॉलीमर है, इसे पॉलीमर से बना हुआ है ये सब कुछ. तो इस चैप्टर में कौन सा पॉलीमर क्या बनाता है वो हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है, तो अब इस पॉलीमर के बाद, ये जो डेली लाइफ का हमने यूजेस देखा, अब इसके बाद हम ये सीखेंगे कि इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है. ये बोर्ड में, इस एग्ज़ाम में, पिछले 8 से 10 सालों में ये जो पार्ट है पूरा पॉलीमर, बस इसी में से पूछा गया, अगर देखा जाए तो डिटेल में. जैसे क्लासिफाई पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. तो आप ये मान के चलिए कि ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे कि ये किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है. लास्ट ईयर की बुक में इसे क्लासीफाई किया था खाली 4 मेथड में. इस बार उन्होंने एक 2 एक्स्ट्रा डाले हैं. एक्स्ट्रा इन द सेंस वो भी टेक्स्ट बुक में ही थे, लेकिन उसको क्लासिफिकेशन के अंदर जोड़ दिया गया. नाउ बेस्ड ऑन सोर्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन सोर्स, हमारा पॉलीमर आता कहाँ से. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, हमारे पॉलीमर के स्ट्रक्चर कौन सा है, क्या वो सीधा है, क्या उसमें अलग अलग ब्रांचेज हैं, क्या वो 2 लेयर क्रॉस लिंकिंग है या 3D फॉर्मेट में है. तो सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. थर्ड इज पॉलीमर के बीच में फोर्स कौन सा है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं रबर लूँ, ठीक है, कौन सा इरेजर वाला रबर लें या हेयर बैंड वाला रबर, जो हम लोग नॉर्मली रबर बैंड यूज़ करते हैं, रबर बैंड नॉर्मल, वो रबर बैंड और व्हीकल का, एक गाड़ी का टायर, वो भी रबर ही है. फिर दोनों के में क्या फ़र्क है? रबर के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में फ़र्क है, फोर्स में फ़र्क है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट फोर्सेस ये 4 क्लासिफिकेशन है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. आपको ये ट्री डायग्राम लर्न करना है. ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. सो नंबर 3 है आपका बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स, नंबर 4 है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. ये क्या है पॉलीमराइजेशन, मतलब किस मेथड से पॉलीमर बन रहा है? क्या सिर्फ 2 मोनोमर ऐड हो रहे हैं लीनियरली? क्या 2 मोनोमर ऐड होने पे छोटा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कोई बाहर निकल रहा है, कंडेंस हो रहा है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. क्या कोई रिंग ओपनिंग है इसमें, एक ही मॉलिक्यूल है जिसका रिंग टूट रहा है. ठीक है, तो इसमें 3 है. फिफ्थ मेथड है, दैट इज नंबर ऑफ मोनोमर्स. नंबर ऑफ मोनोमर्स, नाउ नंबर ऑफ मोनोमर्स मतलब होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स. ये होमो एंड को हम इसको समझेंगे क्या होता है. पॉलीमर भी 2 टाइप का होता है, जैसे जो एक ही पॉलीमर से बना हुआ है वो है होमो,
जो दो अलग अलग मोनोमर से बना हुआ है, जो एक ही मोनोमर से बना हुआ है वो है होमो, और जो दो अलग अलग मोनोमर से बने हैं वो है को. हम लोग एक एक को डिटेल में समझेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी. एंड नंबर सिक्स है बायोडिग्रेडेबिलिटी. बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब जो अपने आप पॉलीमर फिनिश हो सकता है या अपने आप वो उसको डिग्रेड हो सकता है, ऐसे को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं होता. द सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, जो ब्लैक पॉलीथीन वी यूज़ इन डेली लाइफ, उसका ड्रॉबैक क्या है, उसको डिस्ट्रॉ होने में मोर देन 10,000 ईयर्स लगते हैं, ठीक है. सो इट इज़ हाईली हाईली डेंजरस और टू आर इकोसिस्टम, अपने अर्थ के लिए, अपने एटमॉस्फेयर के लिए, राइट. अब इन छह पॉलीमर्स को वापस से मैं क्लासिफिकेशन बताती हूँ बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहाँ से आया है, वेदर इट इज़ नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक. एंड नंबर टू इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक, इनका आपस में ऐड कैसे हुए हैं. नंबर ऑफ फोर्स, उनके बीच में फोर्स कौन कौन सा है, अगर वीक है तो इलास्टोमर है, अगर स्ट्रांग है तो फाइबर्स है या थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है. नंबर फोर बेस्ड ऑन मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट इज एडिशन, कंडेंसेशन, रिंग ओपनिंग, ये तीन मेथड है. नंबर फोर है, नंबर फाइव है नंबर ऑफ मोनोमर्स. अगर वो एक ही तरह के यूनिट से बना हुआ है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन खाली इथीन से ही बना है, सिर्फ इथीन ऐड होते गए, तो मेरा पॉलीथीन का लॉन्ग चेन बन गया, मुझे लॉन्ग चेन ऑफ प्लास्टिक मिल गया, ठीक है. बट को पॉलीमर जैसे बैकेलाइट एक एग्जांपल है, जो कुकर के हैंडल्स होते हैं या स्विच बोर्ड्स होते हैं, वो बैकेलाइट में दो अलग अलग मोनोमर को कंबाइन किया जाता है, तब हमारा उसे को पॉलीमर कहते हैं. नंबर सिक्स बायोडिग्रेडेबिलिटी. तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन, दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स एंड और ओरिजिन. ये क्वेश्चन अभी कभी बोर्ड में आया नहीं है कि बेस्ड ऑन सोर्स एंड ओरिजिन बताइए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, ये आप ओरली बता सकते हो. इसमें कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है ना, सिर्फ समझनी है. एंड देन यू हैव टू रीड दिस होल थिंग, जो भी लिखा हुआ है बस उतना ही पढ़ लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, पहला नंबर वन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स एंड ओरिजिन. नंबर वन इज नेचुरल पॉलीमर्स. नाउ दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स. नेचुरल मतलब जो नेचर में मिलता है, जो हमें नेचर से ही मिलता है, ठीक है. एंड आर नेम्ड एज प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर. आपकी टेक्स्ट बुक में बेस्ड ऑन सोर्स में नंबर वन नेचुरल है, नेचुरल के अंदर एक प्लांट को अलग लिखा गया न्यू टेक्स्ट बुक में, और एनिमल को अलग लिखा गया. अब आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है ये है प्लांट पॉलीमर का है. तुम्हें पता है, एनी गैसेस ये कौन सा प्लांट होगा. दिस इज लेटेक्स ट्री, और यू कैन से दिस इज रबर ट्री. जो नेचुरल रबर है वो लेटेक्स ट्री के बाग से मिलता है. वहाँ पर उन्होंने वो देखिए एक स्टील का एक इक्विपमेंट लगाया हुआ है, और जहाँ से उस बाग से जो लिक्विड है उस छोटी सी बाल्टी में जमा हो रहा है. जो नेचुरल पॉलीमर से आपको प्लांट पॉलीमर है, ये जो प्लांट से मिलता है. अच्छा, प्लांट पॉलीमर में खाली रबर है क्या, और एक है सेल्यूलोज. व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज इज नथिंग बट अ कॉटन प्लांट, ठीक है, कॉटन प्लांट जो होता है सेल्यूलोज. और एक है लिनन. ये जो लिनन है ये आपको मिलता है फ्लेक्स प्लांट से. लिनन शर्ट्स होते हैं ना, लिनन साड़ीज, लिनन शर्ट्स, दे आर वेरी कॉस्टली. सो फ्लेक्स प्लांट से अगर ओरिजिनल लिनन लेने जाओ इट्स वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये प्लांट से उसका पूरा प्रोसेस करके निकाला जाता है. ये इट टेक्स नंबर ऑफ डेज टू प्रिपेयर, इसीलिए महंगे. सो ये जो जितनी भी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं तो प्लांट पॉलीमर होती हैं. तो प्लांट पॉलीमर में एग्जाम्पल क्या लिया हमने, सेल्यूलोज लिया, लिनन लिया, देन रबर लिया, है ना, रबर प्लांट.
दैट इज लेटेक्स ट्री से आया, और जूट है, और एक ले सकते कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, स्टार्च इज अ नेचुरल पॉलीमर, जो भी आपको नेचर से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, वो आपका है प्लांट पॉलीमर। एनिमल पॉलीमर जो हम डेली लाइफ में एनिमल पॉलीमर जो यूज करते हैं, ध्यान से देखना यार पिक्चर, इसमें इस पिक्चर में एनी गैसेस क्या है ये? दिस इज सिल्क मॉथ, है ना, ये एनिमल पॉलीमर का बेस्ट एग्जांपल है। और इसके बाजू में तुम जो रेसे देख रहे हो, उनका प्यूपा है मॉथ, ठीक है, सिल्क वर्म, जिससे क्या मिलता है, सिल्क, सिल्क, प्योर सिल्क इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग क्लोथ्स, शर्ट्स, राइट, मैनी थिंग्स। तो सिल्क, और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट तो सिल्क है, सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, यस, एनी गैसेस, वूल, है ना, वो है एनिमल पॉलीमर, किससे मिलता है हमें, शिप से, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड मेकिंग ब्लैंकेट्स, व्हाट यू से, कंबल, राइट, देन स्वेटर्स एंड ऑब्वियसली शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये है आपका एग्जाम्पल, ये है एनिमल पॉलीमर का। बट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये प्लांट और एनिमल पॉलीमर की क्वांटिटी कंपैरेटिव रेशियो कम है, इसके लिए हमें सिंथेटिक पॉलीमर की ज़रूरत पड़ी, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। तो नंबर वन, बेस्ड ऑन सोर्स में हमने क्या पढ़ा, नंबर वन बेस्ड ऑन सोर्स में एनिमल पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर एंड प्लांट पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर का एग्जाम्पल हमने लिया सेलुलोज, जूट, लिनन, एंड एनिमल पॉलीमर में सिल्क एंड वुल, ठीक है। नंबर वन नेचुरल पॉलीमर्स किसके अंडर में है, ये बेस्ड ऑन सोर्स में, बेस्ड ऑन ओरिजिन में। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन में तीन है, बेस्ड ऑन ओरिजिन में तीन कौन कौन से हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन में पहला क्या था, नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक जो आर्टिफिशली फैक्ट्रीज में लैब में बनाया जाएगा, और तीसरा है सेमी सिंथेटिक, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आया हुआ है, चार ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना था, विच वन इज अ नेचुरल प्लांट पॉलीमर, जिसमें एक ऑप्शन में था आंसर सेल्यूलोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड, सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है, सेकेंड क्या था, सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब इसको पूरी तरह से कहाँ बनाया जाता है, लैब, ठीक है, फैक्ट्रीज में, लैब में बनाया जाता है। तुम्हें ये एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए कि पॉलीमर पॉलीमर हम बोलते जाएंगे, फिर रियल लाइफ में कहाँ क्या यूज़ होता है, इसे मैंने वर्कआउट करके सब निकाल कर स्पेस कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है पूरा। देखो ये सारी जो चीज़ें दिख रही है तुम्हें, नायलॉन, ठीक है, देखिए नायलॉन, देन नियोप्रीन, पीवीसी, पॉलीस्टरीन, सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड सिली पुट्टी, पुट्टी होता है ना जो, वो सारी चीज़ें वो सिंथेटिक पॉलीमर है जो आर्टिफिशली बनाई जाती है, ठीक है। पीवीसी खाली पाइप सी नहीं होती है, वो इसमें भी यूज़ होता है, व्हाट यू से, सरमाइका में, देन इन पेंट्स, इन कोटिंग, मैनी मैनी places it is used. So simple है इसका definition, क्या बोलोगे, these are man made prepared in lab or industry from chemical substance, ये इसका definition है। example nylon, ठीक है, nylon, terephthalene, polythene, plastics all are synthetic polymer, जिसको बनाया जाता है, nature में कहीं मिलता नहीं है, ये हम बनाते हैं, right? Third है semi synthetic polymer. So, first done natural, second is synthetic, third is semi-synthetic. Semi-synthetic क्या है? The property of natural polymer are modified by some chemical treatment. मतलब हमें जो naturally तरीके से जो polymer मिलता है, for example cellulose, cotton मिलता है, उस पर आप chemical treatment करते हैं और उससे आप
जो कपड़ा है या जो जो भी पॉलीमर बनाते हैं उसके करेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एनिमल पॉलीमर का एग्जाम्पल लिया, सिल्क। सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली, एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है, प्योर सिल्क। उसके बदले में सेमी सिंथेटिक में क्या किया उन्होंने, क्यूप्रामोनियम सिल्क ले गया। इफ यू सी क्यूप्रामोनियम सिल्क स्ट्रक्चर, सी दिस वन, सो द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स आर मॉडिफाइड बाय सम केमिकल ट्रीटमेंट। द प्रॉपर्टी विच आर मॉडिफाइड आर अपीयरेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, लश्चर। एग्जाम्पल, एसिटेट रेयॉन, विस्कस रेयॉन, जो रेयॉन बनता है, रेयॉन की फैक्ट्रीज हैं, जैसे रेयॉन के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, रेमंड, राइट, रेमंड, ये सारी जो चीज कंपनीज हैं, दे प्रोड्यूस विस्कस रेयॉन, राइट। क्यूप्रामोनियम सिल्क, ये देखो, ये केमिकल ट्रीटमेंट करके सिल्क को से सिल्क की क्वालिटी को या कॉटन की क्वालिटी को बढ़ा के उसमें शाइनिंग लाया जाता है, उसमें लश्चर लाया जाता है, लश्चर में शाइनिंग, उसका अपीयरेंस चेंज किया जाता है, जो कि उससे काफ़ी सस्ती भी होती है, ठीक है। सो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो नेचुरल पॉलीमर्स को मॉडिफाइड किया जाता है यूजिंग सम केमिकल ट्रीटमेंट। आई होप ये आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसमें नंबर वन क्या है, नेचुरल पॉलीमर, नंबर टू है सिंथेटिक, नंबर थ्री है सेमी सिंथेटिक। ये तीनों किसके अंडर में है, ये तीनों है बेस्ड ऑन सोर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंड क्लासिफिकेशन, नाउ विल गो टू सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी बार 3 मार्क के लिए आया हुआ है क्वेश्चन, और लास्ट टू लास्ट टाइम लीनियर पॉलीमर से पूछा था, कभी क्रॉस एक्सप्लेन क्रॉस लिंक पॉलीमर और एक्सप्लेन ब्रांच पॉलीमर, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। अब मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, आगे हम चैप्टर में ये सारे पॉलीमर्स है जो पीवीसी देख रहे हो, पॉलीथीन देख रहे हो, हम ये सब बनाएंगे, ठीक है, रिएक्शन लिख कर बनाएंगे। फिलहाल तो ये पूरा थ्योरी है। सो दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस चेन विदाउट एनी एक्सेस अटैचमेंट ऑफ ब्रांचेस, इनका कोई ब्रांच नहीं होता है। इसमें से छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। सो दे हैव हाई एमपी, हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज पीवीसी पाइप्स, ठीक है, पीवीसी पाइप्स। अभी देखिए, उन्होंने मैंने और एक एग्जाम्पल लिखा है जो है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन बना किससे लग रहा है, इथीन से। तो अगर मैं लिख रही हूँ इथीन, माई वॉट इज़ माई इथीन, C2H4, ठीक है, इसको अगर मैं पॉलीमराइजेशन करूँ, इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड होगा, और पॉलीमराइजेशन कैसा होता है, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फिर वो दूसरे पे पास होता है, तो ये CH2 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, ऐसा लॉन्ग चेन कंबाइन होता जाएगा और मुझे लॉन्ग स्ट्रेट चेन मिलेगा, किसका, पॉलीथीन का। तो ये मेरा पॉलीथीन, इन शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूँगी। तो ये स्टार्ट किया इथीन से, ये है मेरा मोनोमर, ये है मेरा रिपीटिंग यूनिट, रिपीट क्या हो रहा है, CH2 CH2, और बाय प्रोडक्ट CH2 CH2। ये डैश का मतलब चेन मेरी इधर से भी चालू है अभी तक, और इधर भी ख़त्म नहीं हुई है, इसे लॉन्ग चेन, कंटिन्यूस चेन। तो ये एक एग्जाम्पल लीनियर पॉलीमर का। लीनियर पॉलीमर में मोनोमर्स स्ट्रेट कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये हुआ लीनियर। इसमें है नंबर टू, क्योंकि इसमें भी तीन है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में तीन है, पहला है लीनियर, दूसरा है ब्रांच, तीसरा है क्रॉस लिंक। तो अब हम लोग दूसरे पे जा रहे हैं, दैट इज ब्रांच पॉलीमर। नाउ ब्रांच पॉलीमर, नाम से क्या मालूम पड़ रहा है कि उसके ब्रांचेस होंगे, राइट। दिस पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ चेन स्ट्रक्चर हैविंग वन मेन चेन ऑफ मॉलिक्यूल विथ स्मॉलर चेन एज ब्रांचेस ऑफ मेन चेन। तुम ध्यान से देखो, एक लॉन्ग चेन होगा, इसके छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस निकले हैं, दिख रहे हैं, देखो। अगर हम इसे कार्बन के फॉर्म में लें और ये छोटे छोटे हाइड्रोजन है, तो देखो ऐसे कंबाइन हुआ है मेरा चेन, ये ऐसे गया, और इसी चेन में एक देखो यहाँ पे ब्रांच गया,
ये इसका एक ब्रांच, ठीक है, CH2CH3 CH2CH3 लाइक दैट. तो ये है ब्रांच का एग्जांपल. ब्रांच के एग्जांपल कैसे, पॉलीप्रोपिलीन, ये जो टपरवेयर के जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो ज़्यादा एकदम मोटे वाले प्लास्टिक होते हैं, वो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, दैट दे आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन. तो ये पॉलीप्रोपिलीन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है. पॉलीप्रोपिलीन हैविंग मिथाइल ग्रुप एज ब्रांचेस लिखा हुआ है, यू नो यहाँ पे हिथाइल ग्रुप है. सो दिस इज पॉली, दिस इज LDPE एग्जाम्पल बेसिकली, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन ब्रांच. कभी कभी ना ये क्वेश्चन नीट और JEE में कैसे पूछा आता है, देखो नीट में इस तरह पूछा जाएगा कि विच पॉलीमर्स हैज़ लो डेंसिटी, लीनियर, ब्रांच, नेटवर्क, ठीक है, ऐसा ऑप्शन रहेगा. तुमने देखा लीनियर का स्ट्रेट चेन है, हाई डेंसिटी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है. सेकेंड डिफरेंस इसका क्या है, दे है लो डेंसिटी. ये ब्रांच की वजह से इनके में लो डेंसिटी है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ये एक रीज़न है कि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है. ये हुआ सेकेंड. थर्ड है नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर. सो लिंकिंग ऑफ चेन पॉलीमर्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड लीड्स टू नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. They are also called cross-link structure due to cross-linking. इसमें क्या होता है कि polymers combine होते हैं. अगर आप structure देख पाओ ध्यान से, ये structure देखिए ध्यान से, मैंने तीनों को draw करके दिखा दिया. इसमें देखो, इसमें linear वाला straight गया है, right? Branch वाले में इसके branches है यहाँ पे और यहाँ पे. नेटवर्क में अगर तुम ध्यान दो कि एक स्ट्रेट चेन गया है, यहाँ पर एक चेन ऑफ पॉलीमर है और दोनों के बीच में लिंकिंग हुई है, सी ओ सी एच टू सी एच टू, और सिंपल वे में इस तरह ड्रॉ किया हुआ है. से दे फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आस्क इन एंट्रेंस विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन क्रॉस लिंकिंग. स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड leads to network like structure, they are also called cross link structure, ठीक है. Why? Due to cross linking. Melamine, bakelite, vulcanization of rubber. ये melamine क्या होता है, melamine वो plastic है जो गिरने पर भी टूटता नहीं है. तुमने देखे होंगे crockeries, plates, non breakable, जो गिरते हैं तो भी टूटते नहीं है, वो melamine का बना होता है. bakelite, अगर आप pan, cooker के handles देखो जो ब्लैक कलर का होता है, वो बैकलाइट का बना होता है. वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब जो नॉर्मल नेचुरल रबर है उसका क्या प्रॉब्लम है, वो ब्रिटल है, वो जल्दी टूट जाएगा. तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जैसे मेरा नेचुरल रबर है, इसके बीच में मैं सल्फर डाल देती हूँ, सल्फर का क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, मेरा जो रबर का क्वालिटी और अच्छा हो जाता है. हम इसके ऊपर शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं आगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर सब बनाने वाले हैं, मेलामाइन बनाने वाले हैं, बैकलाइट बनाने वाले हैं ऑन पेपर, ठीक है, ऑन पेपर ऑब्वियसली बनाने वाले हैं. यू कैन, देर इज लॉट ऑफ स्कोप इन पॉलीमर इन करियर वाइज ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट, सो सेकेंड इज, हाँ थर्ड इज बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स. तो सेकेंड, ये पहले दो में तुम्हें एक बार डिस्कस कर लेती हूँ. तो हमने क्या क्या किया इसमें, डेफिनेशन, what are polymers, polymers are high molecular weight compound consist of small repeating unit called monomers, unka mass kitna hota hai, kis range mein, 10^3 to 10^7. Third point, it is classified based on many types. To pehle humne kiya, aaj pehla sirf ye kiya ki source ya origin. इसमें कितने हैं क्लासिफिकेशन में, मैं सम अप कर रही हूँ इसे, देन आई कंटिन्यू विद द थर्ड वन. सो सोर्स में हमने पहले कौन सा किया, नेचुरल, ठीक है. नेचुरल का एग्जांपल क्या था, प्लांट. नेचुरल में दो चीज़ें आ गई, प्लांट आ गए और एनिमल आ गए. प्लांट में कौन आ गया, सेल्यूलोज आ गया, लिनन आ गया, यस,
एंड एनिमल में वूल एंड सिल्क. ओके एंड द सेकेंड वन इज सिंथेटिक. थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक. सिंथेटिक होता है जिसे हम आर्टिफिशली लैब में बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं. एग्जाम्पल पॉलीथीन और पीवीसी. ठीक है. सेमी सिंथेटिक जो इट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर, मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर यूजिंग सम केमिकल ट्रीटमेंट. एग्जाम्पल एसीटेट रेयन, क्यूप्रामोनियम सिल्क. ये हुआ. आपको ध्यान देना है जब भी आप थेरी करो, प्लीज़ लर्न वन टू एग्जाम्पल्स, बिकॉज मोस्टली द एग्जाम्पल्स आर आस्क इन MCQs एज वेल एज इन एंट्रेंस. सो यू हैव टू जस्ट यू नो लिटिल कॉन्शियस अबाउट योर एग्जाम्पल्स. एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि नेचुरल के अंदर ये है, सिंथेटिक में ये आ गया, तो फिर होगा क्या, जब भी अगर क्वेश्चन आ गया कि बेकलाइट इज डैश टाइप ऑफ पॉलीमर, तुम्हें क्लिक हो जाएगा कि हाँ अरे इस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है बेकलाइट, या पीवीसी इसके अंदर आता है. पॉलीथीन एक मोनोमर, एक ही मोनोमर से बना हुआ है, इसलिए होमोपॉलीमर. ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सोर्स. और सेकंड किया हमने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में नंबर वन किया हमने लीनियर, जो कि कैसा होता है, स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट. दूसरा किया हमने ब्रांच्ड. पॉलीप्रोपिलीन एग्जाम्पल है, लीनियर में पॉलीथीन एग्जाम्पल है, पीवीसी एग्जाम्पल है. हाँ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, एमपी ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है, बिकॉज द स्ट्रक्चर द मोनोमर यूनिट दे पैक टुगेदर. ठीक है, इसके लिए ब्रांच में ब्रांच हैज़ लो एमपी एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. एंड थर्ड वन इज़ क्रॉस लिंकिंग. क्रॉस लिंकिंग का एग्जाम्पल लिया हमने बेकलाइट, मेलामाइन एंड वल्कनाइज रबर. ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए. बाकी के चार, दैट इज़ बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन मेथड, बेस्ड ऑन पॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, एंड लास्ट इज बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. विल डू नेक्स्ट टाइम, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.